हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्रा स्पीक्स डॉट कॉम। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लव अफेयर्स और केतु के रिलेशनशिप के बारे में कि केतु का लव अफेयर्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, लाइफ में लव अफेयर्स कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। कुछ लोगों ने बोला कि सर, मल्टीपल रिलेशनशिप बने, फ्रेंडशिप हुई, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया और हर बार ब्रेकअप हो गया। तो फ्रेंड्स, केतु जो प्लैनेट है ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो केतु की दृष्टि जहां पे पड़ती है, केतु जहां बैठता है, उन चीजों से आपको डिटैच करता है, अलग कर देता है। अब क्वेश्चन है लव अफेयर्स का, और इसका जो हाउस है वो है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। तो लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट्स हैं, रोमांस है, प्यार है, मोहब्बत है, वो फिफ्थ हाउस से आती है। तो फिफ्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है लव अफेयर्स के लिए। अगर फिफ्थ हाउस पे केतु की दृष्टि आ गई, केतु का एस्पेक्ट आ गया, तो आप देखेंगे लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल अफेयर नहीं हो पाएगा। अब केतु की डिफरेंट पोजीशन है, जहां पे केतु बैठेगा तो फिफ्थ हाउस को देख सकता है। अगर केतु लग्न में बैठा, फर्स्ट हाउस में केतु बैठा, तो अपनी पांचवी दृष्टि से पंचम भाव फिफ्थ हाउस को देखेगा। पॉइंट नंबर वन। अगर केतु फिफ्थ हाउस में ही बैठ गया, केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में, लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में अगर फिफ्थ हाउस पे है, तो भी लव अफेयर से डिटैच्ड होगा, डिटैचमेंट आया। केतु अगर नाइन्थ हाउस में चला गया, अगर केतु नाइन्थ हाउस में कुंडली में बैठा, तो उसका नाइन्थ एस्पेक्ट या नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे आएगी। और अगर केतु इलेवेंथ हाउस में बैठा, ग्यारहवें भाव में बैठा, तो सातवीं दृष्टि उसकी फिफ्थ हाउस पे आती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, अगर इन चारों हाउसेस में कहीं भी केतु चला गया, तो उसकी दृष्टि या एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पर आएगा और लाइफ में सक्सेसफुल रोमांस नहीं आ पाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है फिफ्थ का जो लॉर्ड है, पंचम भाव का जो भी स्वामी है, अगर उसका रिलेशनशिप केतु से बन गया। अब ये पॉसिबल है केतु की दृष्टि चली जाए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पे, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और केतु एक साथ हॉरोस्कोप में बैठ जाए, तो भी लाइफ में रोमांस की कमी, और अगर हुआ तो ब्रेकअप, ये प्रॉब्लम्स आदमी को फेस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यस, प्रॉब्लम तो मैं फेस कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है? तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि आप केतु के बीज मंत्र का जाप करें, एटलीस्ट फॉर 21 डेज, एक माला रोज। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, ये केतु का बीज मंत्र है। तो आज फ्रेंड्स, हमने प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है मेरे से, तो नंबर लिखे हैं नीचे स्क्रीन पर। हमारा ईमेल एड्रेस है astro@nakshatraspeaks.com, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।